हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का इस वीडियो में IDBI बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं। इस अकाउंट को आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं फुल KYC के साथ। फुल KYC करने के लिए आपको वीडियो KYC करना होगा, आप घर से ही अपने मोबाइल से वीडियो KYC भी कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री डेबिट कार्ड और एक जीरो बैलेंस है, इसलिए आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। दोस्तों इस अकाउंट ओपन करने का 2 से 3 घंटे के अंदर आपको अकाउंट नंबर, IPC कोड, कस्टमर आईडी मिल जाएंगे। इस अकाउंट में आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जितना भी बैंकिंग फैसिलिटी है सभी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में यूज करना, जैसे कि फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में IDBI बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। IDBI बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आप देख पाएंगे इस अकाउंट का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है। नीचे आएंगे तो एडवांटेज देख पाएंगे। इस अकाउंट का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और फ्री आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो पूरा डिटेल्स में पहले आप जान ले, देख ले, उसके बाद ही अकाउंट ओपन करें। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। इस अप्लाई नाउ का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है स्क्रॉल करके। यहाँ पे आप देख पाएंगे अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो KYC। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो अकाउंट ओपनिंग। थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे वीडियो KYC लिंक का एक ऑप्शन है। वीडियो KYC लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेलकम टू IDBI बैंक सेविंग अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो KYC। यहाँ पे देख पा रहे ऊपर में कस्टमर वेरीफाई में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे 5 स्टेप है, आपको 5 स्टेप कंप्लीट करना होगा फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे यहाँ पे आपको टिक करना है आई कन्फर्म दैट आई हैव डिटेल्स ऑफ माई पैन कार्ड। अगर आपका पैन कार्ड में पूरा डिटेल्स है आपका तो आप यहाँ पे क्लिक करें। उससे नीचे आपको ऑथराइज देना होगा, कन्फर्म पर क्लिक करें, आई कन्फर्म करें। आई कंसेंट टू माई इन्फॉर्मेशन, आपको कंसेंट देना है, यहाँ पर कंसेंट दे दिए। आई एम ओल्डर दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई एम इंडियन सिटीजन एंड ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडियन एंड नो अदर कंट्री। अगर इंडिया के सिवा दूसरा कंट्री पर कोई टैक्स नहीं देते हैं तो इस पर क्लिक करें। आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑथराइज दे, ऑथराइज देने के बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा आपको वेट कर लेना है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल कर लेना है। ऊपर में टाइटल का ऑप्शन है, टाइटल में क्लिक करेंगे, आप मिस्टर मिसेस जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे दे, उसका नीचे आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे, उसके नीचे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम दे सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका दे, उसके बाद यहाँ पे टिक करें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका कंटिन्यू का, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP का यहाँ पे एंटर करना है, फिर वैलिड का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। OTP वेरीफाई होने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में आपका जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी देना होगा, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे वैलिडेट करना है, उस पर कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख पाएंगे वीडियो कैसे करते टाइम आपके पास क्या क्या रखना होगा, फिर कंटिन्यू नीचे कंटिन्यू पे आपको फिर से क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पैन डिटेल्स का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर देना है। हम यहाँ पे मेरा पैन कार्ड नंबर दे देते हैं। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं वैलिडेट पैन का ऑप्शन आ गया है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर फिर से आपको क्लिक कर लेना है। उस पर यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप अपना कुछ डिटेल्स देख पाएंगे, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर इस पेज में आप अपना आधार नंबर एंटर करें। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपका वैलिडेट आधार का एक ऑप्शन आएगा, वैलिडेट आधार पर आपको क्लिक कर लेना है। उससे नीचे देख पा रहे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर लेना है।
कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर वैलिडेट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एडुकेशन, आपका रिलीजन, आपका कैटेगरी, ये सब आपको फिल कर लेना है। नीचे सी क्यू आई सी नंबर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं। उसके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे आपको फिर से क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपका जो भी एड्रेस है आधार से ले लिया जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका मेलिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम रहेगा तो आप दोनों में टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो करंट एड्रेस है सेम नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको एड्रेस फिल कर लेना है। फिर कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप का एक पेज ओपन होगा। आप काम क्या करते हैं, मंथली इनकम कितना है, यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेना है। फिर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही नॉमिनेशन का एक पेज ओपन होगा। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते अभी तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। नॉमिनी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आपको नॉमिनी का एड्रेस भी फिल कर लेना है। फिर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद टैक्स कंट्री डिटेल्स का एक पेज ओपन होगा। आपका कंट्री का नेम ऊपर में देना है, उससे नीचे स्टेट का नेम देना है, जो भी आपका स्टेट है उसका नीचे है आपका प्लेस, आपका सिटी का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पेज में आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। सबसे ऊपर में आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उससे नीचे सिटी सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका ब्रांच सेलेक्ट करें। फिर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद चैनल सर्विस का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में सभी बॉक्स में आपको क्लिक कर लेना है। स्टेटमेंट, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपका डेबिट कार्ड में क्या नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे वो देना है। निक नेम भी आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे आपको फिर क्लिक कर लेना है। उसके बाद वीडियो ग्राइसी का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप वीडियो ग्राइसी अभी करना चाहते हैं तो यस पे रखें, नहीं तो शेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देख पा रहे प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको फिर से कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे, योर वीडियो ग्राइसी रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिट टू द एजेंट, यहाँ पे आपका नंबर देख पा रहे, रेफरेंस नंबर यहाँ पे है। नीचे कंटिन्यू ऑप्शन है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको सब में परमिशन दे देना है, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन में, ठीक है। उसके बाद नीचे देख पा रहे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आपका जो वीडियो की आईसी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वीडियो की आईसी हो जाने का 2 से 3 घंटे के अंदर आपका अकाउंट नंबर, आईपीएस कोड और कस्टमर आईडी मिल जाएंगे। अकाउंट ओपन करने का 7 दिन के अंदर आपका घर में बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा चेकबुक और पासबुक और आपका डेबिट कार्ड। तो दोस्तों इस तरह से आप आईडीबीआई बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।